अपनी मांगों को लेकर प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के बैनर तले पीआरडी जवानों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने जवानों को सचिवालय के समक्ष बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके चलते जवानों ने बैरिकेडिंग के पास ही धरना दिया। पीआरडी जवान सरकारी व सरकारी विभागों के अलावा संवेदनशील और असंवेदनशील जगहों पर बिना किसी मूलभूत सुविधा के 10 से 12 घंटे की ड्यूटी देते आ रहे हैं। जवानों की मांग थी कि उन्हें 12 माह का नियमित रोजगार व विभागीय संविदा का लाभ मुहैया कराया जाए, साथ ही पीआरडी जवानों को राज्य कर्मचारियों की भांति मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। जवानों ने एक ही सुर में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया तो वे आगे और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा मामला यह है कि पीआरडी जवानों के साथ आज तक जो भी हुई, जो भी सरकार यहाँ पे रही है, सिर्फ अनदेखी के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हमने आज शांतिपूर्वक ढंग से महारैली का आयोजन किया है, जिससे कि सरकार और शासन प्रशासन हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उनको समझने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन जारी कर देंगे।